हेलो फ्रेंड्स, इस हफ्ते आप जानते हैं कि जो मार्केट है वो काफ़ी वोलेटाइल रही, बहुत सारे शेयर्स की दमकर पिटाई हुई, जैसा कि पिछले कुछ महीनों से ऐसा चल रहा है। और इस महीने जो है, क्योंकि रिजल्ट का सीजन था, तो ये पूरे महीने आपने देखा कि रिजल्ट आए, और कुछ जो रिजल्ट्स हैं वो नेक्स्ट वीक में भी आएंगे। तो हमारे पोर्टफोलियो में कुछ शेयर्स हैं जिनका रिजल्ट इस बार आया, और वहाँ पर हमने कुछ कैलकुलेशन की और हमें ऐसा लगा कि जो पिटाई है मार्केट ने कुछ ज़्यादा कर दिया है और रिजल्ट्स बड़े बेहतरीन आए। आइएगा, मैं अपने उन दो स्टॉक्स के बारे में बताना चाह रहा हूँ जिनका कि मर्जर ड्यू है। उस मर्जर की पूरी प्रोसेस लगभग कंप्लीट होने पर है और आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर जो मर्ज्ड एंटिटी है वो काम करना शुरू कर देगी। तो जो दो शेयर्स जिनके बारे में बात कर रहा हूँ, उसमें सबसे पहला शेयर है IDFC बैंक लिमिटेड और दूसरा है कैपिटल फर्स्ट जो है। तो पहला है IDFC बैंक और दूसरा है कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, जैसे कि आप लोग जानते हैं। इन दोनों के बीच में एक स्वैप रेशियो है जो डिसाइड हो रखी है, दैट इज 13.9:1। यानी कि कैपिटल फर्स्ट के एक शेयर होल्डर्स को 13.9 शेयर्स मिलेंगे IDFC बैंक लिमिटेड के शेयर्स को। तो एक शेयर्स के बदले में 13.9 शेयर्स जो है वो मिलने हैं कैपिटल फर्स्ट के शेयर होल्डर्स को। तो जो कैपिटल फर्स्ट के जो शेयर होल्डर्स हैं वो IDFC बैंक के शेयर होल्डर्स बन जाएंगे जब ये मर्जर की पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले महीने या जनवरी जो फर्स्ट है वहां तक ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी और जो कैपिटल फर्स्ट के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको शेयर अलॉट हो जाएंगे। आइएगा, अब इस पूरी प्रक्रिया में हुआ क्या, देखिएगा। जब ये मर्जर लगभग जनवरी के आसपास अनाउंस हुआ था, तो जो IDFC बैंक था वो वास्तव में इस तरीके की बैंकिंग करता था जो कि कॉरपोरेट लोन्स या बड़े इंस्टीट्यूशनल लोन दिया करता था, जो अभी भी वो देते हैं। तो बैंक नया था, जैसा आप लोग जानते हैं IDFC बैंक भी एक नया बैंक है। तो कैपिटल फर्स्ट के साथ उसका जो है मर्जर अनाउंस हुआ, जिसकी रेशियो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जो सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं ये लगभग कंप्लीट कर ली गई हैं, जो कि बस अब थोड़ा सा प्रोसीजरल वर्क रहता है, जो कि मतलब एक फॉर्मेलिटीज़ हैं, वास्तव में जो पूरी लीगल प्रोसेस है लगभग कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पर जो मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ वो उसको ध्यान से सुनिएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी जो है नंबर्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो IDFC बैंक ने जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स थी उसकी, वो करीबन 3% के आसपास थी, और जो कि अब IDFC बैंक ने इस बार देखिए इस क्वार्टर में रिपोर्ट तो नहीं किया प्रॉफिट को, उन्होंने लॉस रिपोर्ट किया है। लेकिन IDFC बैंक ने क्या किया कि अपनी जितनी भी नॉन परफॉर्मिंग असेट्स थी उसका एक सब्सटेंशियल पोर्शन जो है वो उन्होंने अपने प्रॉफिट एंड लॉस में राइट ऑफ कर दिया, यानी कि उसको अपना लॉस मान लिया, जिसकी वजह से IDFC बैंक की जो बैलेंस शीट है वो तो क्लीन हो गई लेकिन उसको प्रॉफिट नहीं हुआ। तो इस क्वार्टर के अंदर IDFC बैंक ने लॉस रिपोर्ट किया लेकिन जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हैं वो कम कर लिए हैं, यानी कि जो बैड लोन्स थे वो सारे के सारे उन्होंने P&L में राइट ऑफ कर दिए या आरसील जो है उसको उन्होंने सेल करके उसको निपटा दिया है। तो जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हैं वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हुई हैं IDFC बैंक के अंदर। और आज जो रिजल्ट आए थे वो रिजल्ट आए थे कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड के। तो जो कैपिटल फर्स्ट के जो रिजल्ट थे, कैपिटल फर्स्ट के बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आए। अगर पिछले कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर्स की बात करें, जो यानी कि सितंबर 2017 का क्वार्टर था, उसके मुकाबले में लगभग 3 गुना प्रॉफिट्स हुए हैं। रेवेन्यू के अंदर भी बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। और इस कंपनी के बारे में मैं कुछ आपको बताऊं कि ये जो कंपनी है इसका जो शेयर प्राइस है 450 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है और अपने 52 वीक लो पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। IDFC बैंक का शेयर भी 52 वीक लो पर ट्रेड कर रहा है। तो मैं यहाँ पर आपको साथ कुछ वैल्यूएशन से रिलेटेड कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, तो उन बातों को आप ध्यान से देखिएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आपका 1 से 2 साल का होरिजन है तो बहुत अच्छा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। इस मर्जर के बाद मुझे लगता है कि शेयर्स की रीरेटिंग होगी और रीरेटिंग होने के बाद यहाँ पर एक बहुत अच्छा एप्रिसिएशन शेयरहोल्डर्स को मिलेगा, आज की कंडीशंस के हिसाब से भी, अगर आज की जो कंडीशंस हैं उसके हिसाब से भी। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब ये दोनों मर्जर हो जाएंगे तो जो कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड है उसका वास्तव में रिटेल का बिजनेस है, यानी कि वो रिटेल बैंकिंग का बिजनेस है। 91% जो उसका बिजनेस है वो रिटेल बैंकिंग का है और 9% जो है वो रियल एस्टेट्स या कॉर्पोरेट्स को लोन देते हैं वो बिजनेस है। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि कैपिटल फर्स्ट का जो बिजनेस है वो रिटेल सेगमेंट को पे डिपेंड है, यानी कि रिटेल सेगमेंट से जुड़ा हुआ है। इसी तरीके के और बैंक्स हैं जिनका भी रिटेल फोकस बैंक है, जैसे कि बंधन बैंक है, इसका जो फोकस है वो भी रिटेल बैंकिंग के ऊपर है। तो ये भी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि रिटेल बैंक है। और इसी तरीके से एक और बैंक है रत्नाकर बैंक लिमिटेड, जिसको आप RBL बैंक बोलते हैं। तो जो RBL बैंक है उसकी अभी जो फोकस है
वो भी रिटेल बैंकिंग के है। तो ये जो रिटेल बैंकिंग के जो शेयर्स हैं उसके जो पीई रेशोज हैं वो बहुत जबरदस्त होती हैं, उनकी जो पीई रेशोज होती हैं वो करीबन 30 टाइम्स के आसपास होती हैं, 25 से लेके 30 के बीच में। तो यहाँ पर देखिएगा तो इस तरीके के जो शेयर्स हैं उनकी जो पीई रेशोज है बहुत जबरदस्त है, जैसे कि मैंने आपको आरबीएल या बंधन बैंक के बारे में बताया। तो आइएगा मैं अब इस पूरे एनालिसिस को डिस्कस करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। तो देखिएगा जो कैपिटल फर्स्ट के जो रिजल्ट आए उसके अकॉर्डिंगली जो वैल्यूएशंस है मैं उसके बारे में आज आपको अवगत करा रहा हूँ कि देखिएगा जो कैपिटल फर्स्ट का जो शेयर है उसकी बुक वैल्यू है 296 रुपीस, यानी कि 296 रुपीस आज की डेट में उस शेयर की बुक वैल्यू, यानी कि बैलेंस शीट के हिसाब से अगर आप उसकी वैल्यूएशंस करेंगे तो वैल्यूएशन है 296, यानी कि आप उसकी प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करेंगे, यानी कि जो प्राइस है बुक वैल्यू के मुकाबले में आज जो 450 रुपए का प्राइस है वहां पर, तो प्राइस टू बुक वैल्यू कितनी है 1.52, यानी कि जो प्राइस है बाजार के अंदर 1.52 की कीमत पर मिल रहा है। आज जो उसने ईपीएस रिपोर्ट किया वो 10.56 रुपीज की रिपोर्ट की है, यानी कि 10.56 रुपए की ईपीएस कैपिटल फर्स्ट ने आज रिपोर्ट की है एक क्वार्टर की। और हमारा अनुमान ये है कि जो एनुअलाइज्ड बेसिस पर जो ईपीएस आएगी दैट शैल बी अराउंड 43 और 44 रुपीज, और इसे मैंने ग्रोथ जो कैपिटल फर्स्ट निकाल रहा है वो उसको कंसिडर नहीं किया है, अगर उसको लोगे तो थोड़ी और ज्यादा ईपीएस भी आ सकती है। तो अब मैंने एनुअलाइज बेसिस पर उसकी जो ईपीएस है उसका अनुमान लगाया लगभग 43 रुपीज, तो 43 रुपीज के हिसाब से इसकी ईपीएस आएगी लगभग। और इसको अगर आप क्या करें, अगर इसको स्वैप रेशियो से, यानी कि 13.9 की जो स्वैप रेशियो है उसके हिसाब से एडजस्ट कर दें, तो हमें ऐसा लगता है कि इस जो शेयर है उसकी ईपीएस कहीं पर भी 3 रुपए के आसपास, 3 और 3.5 रुपए के आसपास ईपीएस आएगी जब मर्ज एंटिटी बनेगी उसकी, यानी कि कैपिटल फर्स्ट और आईडीएफसी बैंक का जब मर्जर हो जाएगा तो उसकी जो ईपीएस है वो 3 रुपए और 3.5 रुपए के बीच में कहीं पर बनेगी एनुअलाइज बेसिस पे। तो यहां पर देखिएगा इस कंपनी के बारे में आपको बताता हूं कि जो कैपिटल फर्स्ट है वो वैद्यनाथन जी जो है वो वास्तव में इस कंपनी के सीएमडी है, जो इस कंपनी को बहुत अच्छे से चला रहे हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी टीम रखी हुई है और वो टीम बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। तो देखिएगा ये पहले जो बिजनेस हुआ करता था ये किशोर बयानी जी की कंपनी हुआ करती थी, जिसको वारबरी पिनकस की हेल्प से वैद्यनाथन जी ने हेड किया है और इसके अंदर उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट डाली, और वारबरी पिनकस जो एक प्राइवेट इक्विटी प्लेयर है उसने इसके अंदर फंडिंग की थी और उसके बाद इस कंपनी को आगे बढ़ाया गया वैद्यनाथन जी के द्वारा। तो आप इसकी देखिएगा 2013 से 18 की जो पैट ग्रोथ है, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की ग्रोथ है वो है 39%, यानी कि अगर आप इसकी ग्रोथ के मामले में बात करोगे तो वो 39% है, लेकिन जो ईपीएस की ग्रोथ है वो 30% है। नॉर्मली क्या होता है कि प्रॉफिट की जो ग्रोथ होती है वही ईपीएस की ग्रोथ होती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि इन्होंने बीच में जो है कैपिटल रेज की थी, कुछ इक्विटी डाली थी, कुछ जो एम्प्लॉइज को शेयर्स दिए गए थे इसोप वो शेयर्स भी आए थे, जिसकी वजह से प्रॉफिट की जो ग्रोथ है वो तो 39% है, लेकिन जो अर्निंग पर शेयर की ग्रोथ है वो 30% है। रेवेन्यू ग्रोथ जो है इनकी इन 5 साल के पीरियड के अंदर रही है 47%। तो आप देखिएगा ग्रोथ के फ्रंट पे बहुत ही बेहतरीन कंपनी है कैपिटल फर्स्ट, और टोटल असेट्स अंडर द मैनेजमेंट, यानी कि जो टोटल असेट जो उन्होंने लोन बांटे हुए हैं वो 29% की रेट से ग्रो कर रहे हैं, यानी कि हर साल 29% बढ़ जाते हैं। सीएजीआर का मतलब होता है कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, यानी कि हर साल इतना बढ़ना। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे कि जो रिटेल लोन बुक है वो 91% है, जैसे मैंने अभी आपको बताया भी था, और जो रियल एस्टेट और कॉर्पोरेट लोन्स है वो 9% के हिसाब से है, यानी कि 9% उनके कॉर्पोरेट लोन्स है। अगर आप इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम की ग्रोथ करोगे, नेट इंटरेस्ट का मतलब होता है जो इंटरेस्ट आपने लिया और जो इंटरेस्ट आपने दिया, क्योंकि एनबीएफसी है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के अंदर जो ग्रोथ होती है वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन से कैलकुलेट किया जाती है कि वास्तव में कंपनी ने कितना बिजनेस किया। तो जो इंटरेस्ट लिया और दिया उसके बीच का जो डिफरेंस होता है, क्योंकि ये लोग भी पैसा उधार लेते हैं और फिर दूसरों को उधार देते हैं, तो सस्ते रेट पर उधार लेते हैं और ज्यादा रेट पर उधार देते हैं, उसका जो गैप है उसको बोला जाता है नेट इंटरेस्ट इनकम। तो जो नेट इंटरेस्ट इनकम है उसमें जो ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, ये एक साल की बता रहा हूं मैं आपको, 54% के हिसाब से है। तो आप यहां पर देखिएगा जो कंपनी के जो रिजल्ट आए हैं आज बहुत ही बेहतरीन है, और कंपनी का शेयर क्योंकि एनबीएफसी, और आप जानते हैं कि एनबीएफसी की बहुत दबके पिटाई हो रही है मार्केट के अंदर, तो जो एनबीएफसी की जिस तरीके से पिटाई हुई है तो जो कैपिटल फर्स्ट का शेयर है वो भी अपने 52 वीक लो पे चल रहा है। अब यहां पर हमें कहां से वैल्यू निकल कर आ रही है, क्या हमें देखना है, देखिएगा कि जो आईडीएफसी बैंक है वो पब्लिक से डिपॉजिट्स ले सकता है, और डिपॉजिट्स के अंदर क्या होता है कि जब डिपॉजिट लिए जाते हैं तो उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो डिपॉजिटर्स को दिया जाता है, जो बैंक अपने डिपॉजिटर्स को देता है उसका जो रेट होता है वो सेविंग्स के ऊपर 3.5% है। मान लीजिएगा प्राइवेट बैंक हैं, जैसे बंधन बैंक है वो 6% दे रहा है, या यस बैंक है वो 6% दे रहे हैं, या कोटक महिंद्रा भी 6% देता है, लेकिन एक पर्टिकुलर अमाउंट पर, जब आप एक पर्टिकुलर लेवल पर अमाउंट बैंक के पास रखते हैं डिपॉजिट में, वो तभी देते हैं।
तो नॉर्मली जो डिपॉजिट्स के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं वो जनरली कम होते हैं, यानी कि जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स होती है बैंक की वो कम होती है, जबकि एनबीएफसीज को पैसा उधार लेने में थोड़ा ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। और जैसा आप जानते भी, पीछे भी जो डीएचएफएल का केस लो आप देखिए, आईएलएफएस का केस देखिएगा, तो इन दोनों केसेस के अंदर आपको बात समझ में आई कि ऐसा लग रहा है मार्केट को कि जो बोरोइंग्स है वो एनबीएफसीज के लिए थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, जिसकी वजह से एनबीएफसीज की दबके पिटाई भी हुई है। और उसी की चपेट के अंदर क्या हुआ कि सारी एनबीएफसीज आ गई जो अच्छी थी या जो बुरी थी, इवन कैपिटल फर्स्ट भी उसके अंदर ही आ गई है। अगर आप देखेंगे तो बजाज फाइनेंस एक बहुत बेहतरीन कंपनी है, उसकी भी अच्छी सी पिटाई हो गई है अगर आप उसको 52 वीक हाई से देखेंगे। तो जो भी अच्छे शेयर्स थे उनकी भी पिटाई होती है मार्केट के करेक्शन में, और जो खराब होते हैं उनकी तो होती होती है। और जैसा आज देखिएगा उज्जीवन या इक्विटास की भी आज बहुत दबके पिटाई हुई है, 20-20% से नीचे वो शेयर ट्रेड कर रहे थे आज। और उसका कारण क्या था कि वो आरबीआई ने एक रूल निकाल दिया कि भाई आप अपने पेमेंट बैंक को अलग से लिस्ट कराओगे। ये इतना बड़ा कारण नहीं था, लेकिन वो मार्केट को, क्योंकि आपको पता मार्केट में पेन है, तो वो बहुत ज्यादा तेजी से उसकी गिरावट आ गई, तो 20% से ज्यादा डिक्लाइन कर गया। लोगों ने कैलकुलेशन की कि वैल्यूएशंस गैप आ जाएंगे, लेकिन अगर उसकी आप पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो मैं आपको कभी आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा, मुझे नहीं लगता कि इतनी गिरावट होनी चाहिए थी जितनी उसमें हो गई है। तो वहां पर भी हो सकता है कि मैं बाद में आपको एक वीडियो के माध्यम से उज्जीवन या इक्विटास के बारे में भी डिटेल से बताऊं। तो यहां पर जो पिटाई हुई उसमें कैपिटल फर्स्ट की भी पिटाई हो गई है। तो अब कैपिटल फर्स्ट की जब पिटाई हुई तो अल्टीमेटली आईडीएफसी बैंक का शेयर भी स्वैप रेशियो से चलेगा, और कैपिटल आईडीएफसी बैंक ने वैसे भी लॉस दिया है। लेकिन सबसे खास बात क्या हुई है कि अब इस मर्ज एंटिटी के अंदर जो कि आईडीएफसी बैंक और कैपिटल फर्स्ट के निकलने के बाद आएगी, उसके बारे में मैं आपको कुछ डिटेल दे रहा हूं। उस कैपिटल फर्स्ट और आईडीएफसी के बाद अगर हम बात करें तो आज जो शेयर प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से हम उसको एडजस्ट करें तो वो शेयर चल रहा है 11 की पी रेशियो पर। यानी कि अगर मर्ज्ड एंटिटी की हम ईपीएस निकालें और दोनों के कंपनीज के शेयर प्राइस को कंसिडर करें तो जो पी रेशियो निकल रही है मर्ज्ड एंटिटी की आईडीएफसी प्लस कैपिटल फर्स्ट की, दैट इज 11 times, दैट इज अराउंड 11 times, यानी कि 11 गुना जो है जो अर्निंग का उसके मुकाबले में वो वैल्यूएशंस मिल रही हैं। और प्राइस टू बुक वैल्यू भी अगर आप देखेंगे तो वो भी 1.4-1.5 के राउंड में निकल रही है। तो जो पी प्राइस टू बुक वैल्यू है वो भी 1.5 आप लगा लीजिएगा मोटा मोटा कि 1.5 के राउंड में लग रही है। और उसके बाद अगर आप देखिएगा इसकी कि जो ग्रोस एनपीए है, देखिएगा ग्रोस एनपीए का मतलब है प्रोविजन बनाने से पहले के जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हैं, उसकी जो रेट है वो है 1.24%, यानी कि 1.24% का ग्रोस एनपीए, और नेट एनपीए आएगा मर्ज एंटिटी का 0.56। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आईडीएफसी बैंक ने इस बार अपनी सारी नॉन परफॉर्मिंग असेट, जहां पर उसको लग रहा था कि बिल्कुल पैसा मिलने के चांसेस नहीं है, सारी बैलेंस शीट में राइट ऑफ कर दी, पीएनएल में उसका प्रोविजन बनाकर उनको खत्म कर दिया। और जो उनको लगता था कि जो मिल जाएंगी उसके बारे में उन्होंने छोड़ रखा। तो देखिएगा जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हैं उनको वास्तव में आईडीएफसी बैंक की बैलेंस शीट से साफ कर दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जब दोनों के मर्जर की बात हुई थी तो कैपिटल फर्स्ट ने यह बोला था कि हम मर्जर जब कर रहे हैं, मर्जर जब अनाउंस हुआ था तभी उन्होंने कहा था कि जब भी मर्जर की डेट आएगी उससे पहले आप अपनी नॉन परफॉर्मिंग असेट्स को 1% से नीचे लेके आएंगे। तो लेकिन हम ये मान रहे हैं कि वो 1% के आसपास ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग असेट्स रहेंगी, और नेट परफॉर्मिंग असेट्स तो क्योंकि उन्होंने घटा दी है और कैपिटल फर्स्ट की पहले से ही नॉन परफॉर्मिंग असेट्स बिलो 1% है। तो आप यहां देखिएगा जो मर्ज एंटिटी की ग्रोस नेट एनपी आएंगी दैट शैल बी अराउंड 0.56। यानी कि अगर आप इसको कंपेयर करें पी रेशियो ऑफ आरबीएल के साथ तो आरबीएल के मुकाबले में यहां पर 28 की पी रेशियो मिल रही है, उसकी ग्रोस एनपीए जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हैं आरबीएल बैंक की वो आईडीएफसी की मर्ज्ड एंटिटी से ज्यादा है 1.4, और बंधन बैंक की करीबन करीबन उतनी है जितनी मर्ज्ड एंटिटी की होंगी, यानी कि 1.29। और अगर यहां पर आप देखें नेट एनपीए के मामले में तो नेट एनपीए के मामले में आरबीएल बैंक 0.74 है और बंधन बैंक 0.69, और यहां पर आप देखिएगा आईडीएफसी इन दोनों से कम नॉन परफॉर्मिंग असेट्स वाला रहेगा जब ये मर्ज्ड एंटिटी बन जाएगी 0.56। अगर हम इसको अब देखें तो ये जो बैंक्स हैं दोनों रिटेल बैंक्स हैं, और इस आईडीएफसी के मर्जर के बाद ये जो आईडीएफसी बैंक है ये भी रिटेल बैंकिंग की कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि ये इनके जो कॉर्पोरेट लोन्स थे उसका जो पोर्टफोलियो वो काफी कम हो जाएगा और रिटेल बैंकिंग का जो बिजनेस है वो आईडीएफसी के अंदर बढ़ जाएगा। तो जिसकी वजह से हमें ये लग रहा है कि इस बैंक की जो मर्ज्ड एंटिटी होगी उसकी रीरेटिंग होगी, और हम ये उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके के वैल्यूएशंस आरबीएल को या बंधन बैंक को मिल रहे हैं
कम से कम ऐसे वैल्यूएशंस इस मर्ज्ड एंटिटी को आईडीएफसी बैंक और कैपिटल फर्स्ट की जो मर्ज्ड एंटिटी होगी जो वैद्यनाथन जी हेड करेंगे बहुत बेहतरीन मैनेजमेंट के साथ जो काम करेंगे क्योंकि अब उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया रहा है कैपिटल फर्स्ट के अंदर जैसा आप लोग जानते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस शेयर्स की जो फेयर वैल्यूएशंस है अगर इन पीई रेशियोज को हम कंसिडर करें तो इस शेयर्स की फेयर वैल्यू बनती है करीबन 80 से 90 रुपए। तो मुझे ऐसा लगता है कि कैपिटल फर्स्ट के अंदर यहां पर निवेश बनता है बढ़िया, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि यहां पर जो भी निवेश बनता है वो करीबन 1 से 2 साल के नजरिए से बनता है, कोई शॉर्ट टर्म के अंदर इसके अंदर वैल्यूएशंस जो है वो उसकी री रेटिंग नहीं होगी, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे कि ये री रेटिंग होगी 1 से 2 साल के अंदर मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वही शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, रिस्क रिवार्ड फेवर में है इन्वेस्टर के, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये शेयर्स पोर्टफोलियो में होना चाहिए। डिस्क्लोजर के रूप में मैं आपको बता दूं ये शेयर्स मेरे फैमिली मेंबर्स में भी और मेरे भी खुद के भी पोर्टफोलियो के अंदर है, और इस पर कोई भी जो आप निवेश करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें, और मैं आपको केवल ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये केवल एजुकेशन पर्पज से दे रहा हूँ, मैं आपको कोई एडवाइज नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको ये कहूँगा जब भी अगर आप कोई निवेश करें तो आप अपना खुद का अध्ययन जरूर करें, अपनी स्टडी जरूर करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें और उसके बाद ही निवेश करें। तो ये मैंने आपको बताया कि एक वैल्यूएशन का गैप जो है मर्ज्ड एंटिटी और बंधन बैंक और आरबीएल बैंक के बीच में बनेगा, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इस मर्ज्ड एंटिटी के अंदर जो शेयर्स है उसकी री रेटिंग होगी, और ये री रेटिंग की वजह से मुझे लगता है कि हमारे पोर्टफोलियो के अंदर काफी अच्छा प्रॉफिट आ सकता है, और हो सकता है कि आने वाले समय में मैं यहां पर मैं और भी बाय कर सकता हूं। तो मुझे ये जो वैल्यूएशंस है तो वैल्यूएशंस का एक गैप लग रहा है जिसकी वजह से मैंने शेयर्स के बारे में आपके साथ ये वार्तालाप किया, और मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।